व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दो आर्टिकल मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा जो कि पास्ट में आप लोगों के बचे हुए हैं, यानी कि ये आर्टिकल मैंने आप लोगों का जो नॉर्मल डिस्कशन होता है उसमें इंक्लूड नहीं किए थे, या तो टाइम की कमी रह जाती थी या फिर कोई और रीजन रहता था जिसकी वजह से ये आर्टिकल जो भी आप लोग बचते हैं वो फिर हम लोग संडे में डिस्कस कर लेते हैं। तो दो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो आर्टिकल है यहां पर स्पीकर की पावर के बारे में और दूसरा जो आर्टिकल है वो है हमारी कंट्री में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बारे में। तो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग इन दोनों को बोल सकते हैं। तो जो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर स्पीकर के ऑफिस के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम लोग बात करते हैं हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट में आप लोगों को दो चीजें देखने को मिलेंगी। पार्लियामेंट में एक तो आप लोग यहां पर देखिए लोकसभा और दूसरा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा राज्यसभा। जब लोकसभा में बात करते हैं तो लोकसभा को जो चेयर किया जाता है वो किया जाता है स्पीकर के द्वारा। इसी के साथ में जब हम लोग राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो यहां पर इसको चेयर किया जाता है यहां पर चेयरमैन के द्वारा। तो यहां पर ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये हमारी पार्लियामेंट के होते हैं, और जब आप लोग इसमें प्रेसिडेंट ऐड कर देते हैं तो पूरी पार्लियामेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये तीन अंग नॉर्मली हमारी कंट्री में पार्लियामेंट के आप लोग बोल सकते हैं, तीन पार्ट यहां पर आप लोग इनको बोल सकते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है यहां पर स्पीकर के बारे में। स्पीकर की जो पोस्ट है हमारी कंट्री में बड़ी ही डिफरेंट है। वैसे तो अगर आज के डेट में आप लोग बोले कि अंग्रेजों के द्वारा सिस्टम इस्टेब्लिश हमारी कंट्री में किया गया था उसका आगे फॉरवर्ड हम लोगों ने किया, यानी कि जैसा सिस्टम अंग्रेजों के द्वारा फॉलो किया जाता है वही एक मोटा मोटा सा नमूना हम लोगों ने अपनी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि लगभग 200 साल तक उनके द्वारा हमारे ऊपर रूल किया गया। तो इसके चलते हमारी कंट्री की जो जनता थी उस सिस्टम को अंडरस्टैंड कर पाए, वरना स्टार्टिंग में कंफ्यूजन ये था कि हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म गवर्नमेंट होनी चाहिए या फिर प्रेसिडेंट की फॉर्म गवर्नमेंट होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म गवर्नमेंट हमारी कंट्री में है और प्रेसिडेंट की फॉर्म गवर्नमेंट जो है वो यूएसए में है, तो काफी ज्यादा इसमें असमंजस रहा। तो फिर रिजल्ट ये निकल के आया कि देखिए यार, हमारी कंट्री में ना जो जनता है ना वो काफी लंबे समय से एक चीज से फैमिलियर हो गई है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा यहां पर रूल किया गया, अब तो उस सिस्टम को हम लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म गवर्नमेंट यहां पर अच्छी रहेगी। पर इस फॉर्म में जो स्पीकर का रोल है वो यहां पर हमारा काफी डिफरेंट है यूके के साथ में, अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो। यूके में क्या होता है, पहले आप लोग अपनी कंट्री में समझिए हमारी कंट्री में क्या होता है। हमारी कंट्री में जैसे ही लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो एक नया स्पीकर चुना जाता है। जो नया स्पीकर चुना जाता है तो जो मेजोरिटी में पार्टी है वो यहां पर उसको चुनकर बैठाएगी। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो पार्टी जीतकर आई है, जैसे अभी बीजेपी जीतकर आई, तो बीजेपी ने क्या किया, अपना स्पीकर बैठा दिया। ठीक है, अपना स्पीकर बैठा दिया, तो बीजेपी ने अपना स्पीकर बैठाया। अब लोकसभा में जो भी चीजें होंगी आगे चलकर, कोई डिसीजन लिया जाना है, किसी बिल को पास कराना है, या इसके अलावा कोई भी डिसीजन यहां पर लिया जाना है, वो सारे डिसीजन में जो स्पीकर होगा वो हमेशा किसको सपोर्ट करेगा, वो हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करेगा। और ये देखने वाली सोचने वाली बात नहीं है, अगर अलग अलग राज्य में आप लोग जाएंगे, किसी भी राज्य में आप लोग चले जाएं, अभी अगर आप लोग तमिलनाडु की बात कर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया स्पीकर को कि आपने डिसीजन क्यों नहीं लिया जो मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया था उनको। रीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग पार्टी का है, वो मेंबर भी रूलिंग पार्टी के ही थे जिनको डिस्क्वालीफाई करने की बात चल रही थी, तो उसको डिसीजन को अब तक यहां पर इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ऐसे ही रिसेंटली जो डिसीजन देखने को मिला वो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में देखने को मिला, इसी तरीके का डिसीजन कि स्पीकर जो है वो रूलिंग पार्टी का होता है, अगर किसी को डिस्क्वालीफाई करने की बात आती है, अगर वो अपोजिशन का मेंबर है तो एक मिनट नहीं लगती है डिस्क्वालीफाई करने में, पर लेकिन अगर वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है तो फिर स्पीकर जो है वो डिसीजन को पेंडिंग में डाले रखता है। और हमारे संविधान में कहीं पर भी ये इसके बारे में मेंशन नहीं है कि कितनी जल्दी यहां पर इसका डिसीजन देना है, यानी कि ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है कि एकदम आप लोग इसका डिसीजन दीजिए 2 महीने के अंदर, या फिर आप लोग 1 महीने के अंदर, या फिर 14 डेज के अंदर, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि अपनी जो पावर है स्पीकर उसका मिसयूज करते हैं, खासकर जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उसको फायदा पहुंचाने के लिए। आखिर ऐसा क्यों करता है इंसान, ऐसा इसलिए करते हैं। मान लीजिए आप लोगों की एक कंपनी है ए, और मैं आप लोगों की कंपनी में जॉब कर रहा हूं, इंप्लॉई हूं आप लोगों की कंपनी में, तो आप लोगों की कंपनी में जॉब कर रहा हूं तो मैं आप लोगों के ऊपर डिपेंड हो गया। अगर मेरी घर गृहस्थी चलेगी वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड रहेगी, अगर आप लोग सैलरी देंगे तो मेरी घर गृहस्थी चलेगी, अगर सैलरी नहीं देंगे तो वो नहीं चलेगी। तो आप लोगों के हिसाब से काम करना पड़ेगा, आप जिस टाइम शेड्यूल करेंगे भैया इस टाइम आ जाना कल काम करने के लिए, उस टाइम पहुंचना पड़ेगा, आप लोग बोलेंगे इस टाइम निकलना है, तो जहां भी मतलब एक तरीके से पूरा जो शेड्यूल रहेगा वो आप लोगों की कंपनी के हिसाब से रहेगा। पर लेकिन अगर ये सोचिए मैं आप लोगों की कंपनी में आ गया हूं पर लेकिन मैं डायरेक्टली आप लोगों के द्वारा सैलरी नहीं दी जाती है मुझे, मैं बाहर से अपॉइंट किया गया कोई ऑफिसर हूं आप लोगों की कंपनी में, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप लोगों की मनमानी में वहां पर नहीं चलने दूंगा, जो सही लगेगा मुझे वहां पर मैं वही काम होने दूंगा, अगर कोई इलीगल तरीके से काम वहां पर हो रहा है तो मैं उसको नहीं होने दूंगा। तो इसी तरीके से जो ऑफिस होते हैं हमारी कंट्री में, जैसे कैक का ऑफिस होता है,
कैग का ऑफिस जो अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट होने के बाद में जिसको रिमूव करने का जो फंडा होता है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, उसमें आप लोगों को एक अच्छी खासी मेजोरिटी चाहिए, तो उसके चलते पूरा एक फंडा रहता है। इसी के चलते यहां पर इंडिपेंडेंसी बन पाती है कैग के ऑफिस की। सेम फंडा आप लोग जज की बात कर सकते हैं, जज को जो अपॉइंट करने का प्रोसीजर है और जज को जो हटाने का प्रोसीजर है उसमें अकेला गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, ठीक है। कुछ ऐसे फंडा आप लोगों को प्रेसिडेंट के यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि प्रेसिडेंट भी काफी हद तक जो गवर्नमेंट होती है उसके फेवर में काम करते हैं मैक्सिमम, ये कई बार चीजें मतलब माना जाता है कि आप गवर्नमेंट के द्वारा ही प्रेसिडेंट बनाया जाता है। पर लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण आप लोग ले सकते हैं जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट होती है वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होती है, और जो जुडिशरी का रिमूवल होता है वो हमारी कंट्री में इंपीचमेंट आप लोग बोल सकते हैं इनडायरेक्ट वे में, यानी कि इन द मैनर ऑफ प्रेसिडेंट। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट हटाए जाते हैं उस तरीके से हटाया जाता है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम करती है, कोई भी डिसीजन दे देती है। अभी यहां पर दो दिन पहले जुडिशरी के द्वारा डिसीजन दिया गया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होगी अगर किसी ऐसे मेंबर को अपनी पार्टी में इंक्लूड करेगी जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा लोकल जो और नेशनल जो न्यूज़पेपर है इसी के साथ में सोशल मीडिया हैंडल और उनकी वेबसाइट पर कि क्यों आप लोगों की क्या मजबूरी थी कि आप लोगों को इस मेंबर को अपनी पार्टी में रखना पड़ा। तो वो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट किसे दबा नहीं, एकदम डिसीजन उसने सुना दिया। पर लेकिन अगर सोचिए यही बात स्पीकर को करनी होती कि मेंबर ऑफ जो आप लोगों के पार्लियामेंट है जो खासकर आज के डेट में उनको हटाना है तो कभी भी जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है उसके खिलाफ में स्पीकर नहीं जाएगा। अब इसके सामने आप लोग समझिए रीजन क्या है। रीजन यहां पर यह है जब स्पीकर का इलेक्शन होता है तो स्पीकर का इलेक्शन होता है तो जो पार्टी जीत कर आई है वो अपना स्पीकर बनाती है, और अगर कल को यह पार्टी जो यहां पर स्पीकर बना रही है यह पार्टी कम मेजोरिटी हो जाती है और यह पार्टी गवर्नमेंट से हट जाती है तो ये समझिए स्पीकर की पोस्ट तो गई। और इसी के साथ में अगर स्पीकर को यहां पर गलत डिसीजन लेता है आगे आने वाले टाइम में ना तो उसको अपना टिकट देगी लड़ने के लिए पर्टिकुलर लोकल एरिया से जहां से वो स्पीकर जीत कर आया था, और ना ही आगे आने वाले टाइम में उसको टिकट तो मिलने का है और स्पीकर की पोस्ट भी चली गई, तो एक तरीके से समझिए उस इंसान का करियर बर्बाद हो गया। तो एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंसी होती है स्पीकर की वो उसको यहां पर कहीं ना कहीं बायस करने के लिए एक तरीके से वो नहीं कहते कि बायस हो जाता है वो, तो इसीलिए यहां पर एक तरीके से वो एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके फेवर में उसको काम करना पड़ता है क्योंकि उसका अस्तित्व जो है वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंड है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहां पर जो कि हमारी कंट्री में देखने को मिलती है। वरना स्पीकर की जो पोस्ट है वो लोकसभा में आप लोग ये समझिए हमारी कंट्री के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव यहां पर एक तरीके से स्पीकर के पास में स्पीकर के अंडर में होते हैं, एक तरीके से पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है स्पीकर। पर लेकिन उसकी पोस्ट की जो पावर है वो इतनी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती क्योंकि डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब थोड़ा सा आप लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में जाइए, वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अगर यूके में आप लोग बात करते हैं, यूके में अगर कोई स्पीकर चुनकर आता है, मान लीजिए कोई स्पीकर चुनकर आया, जिस स्पीकर को चुना गया अब वो स्पीकर जो है सबसे पहले तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रेजिग्नेशन देता है, यानी कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है, अब वो पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं रहा है। हमारी कंट्री में ऐसा कुछ नहीं होता है, चाहे तो स्पीकर कर सकता है पर लेकिन क्यों कोई अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा, यहां पर उसको ये काम करने का प्रिविलेज मिला हुआ है, उसको इसके चलते फायदे मिलते हैं। स्पीकर की पोस्ट जो है वो सिक्योर हो जाती है, कोई उसमें कुछ नहीं करेगा, और नेक्स्ट टर्म के लिए भी जो उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी जिससे कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन लड़के आया उस पर कोई और इलेक्शन नहीं लड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आज की डेट में कोई एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है मेरी और मैं स्पीकर हूं और मैं यहां से चुनकर आया हूं, तो मैं यहां से चुनकर आया तो नेक्स्ट ईयर के जो इलेक्शन होंगे उसमें भी वो मेरी सीट जो है वहां पर फिक्स रहेगी, कोई भी आकर उसमें वहां पर इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ओनली मैं ही इलेक्शन लड़ पाता हूं। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो स्पीकर है वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में उसको नहीं आना पड़ता है और अपनी जो सीट है वो एकदम उसकी सिक्योर रहती है और वो स्पीकर की पोस्ट पर भी यहां पर बरकरार रहता है, कोई उसको इस तरीके से हटा नहीं पाएगा जिस तरीके से हमारी कंट्री में जरा सी देर में पॉलिटिकल पार्टी हटा देगी अगर स्पीकर ने उनके अपोजिट में जाकर कुछ भी उल्टा सीधा काम किया। तो ये यहां पर फंडा है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि स्पीकर की जो पोस्ट है वो इंडिपेंडेंट रहे तो हम लोगों को कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ेंगे। अब कुछ ना कुछ क्या क्या चेंज करने पड़ेंगे उसके बारे में आप लोग यहां पर ये समझिए। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करें 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जो कि 1985 में आया था, तो हमारे संविधान में 10th शेड्यूल ऐड किया गया जिसको आप लोग एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ जब हमारी कंट्री में आया तो उस टाइम पर हमारी कंट्री में जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे राजीव गांधी जी थे और उनके द्वारा एक पॉलिटिक्स को कम करने की कोशिश की गई हमारी कंट्री में जिसको आया राम गया राम बोलते हैं, यानी कि आज एक पॉलिटिकल पार्टी में और कल को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में पहुंच गए। तो इस फंडे को रोकने के लिए इनके द्वारा यहां पर यह स्टेप उठाया गया, तो उसके चलते हमारी कंट्री में जो यहां पर ये शेड्यूल यहां पर ऐड किया गया, तो इस शेड्यूल के साथ में स्पीकर के हाथ में कुछ पावर आ गई अच्छी खासी। वो क्या पावर थी,
अगर बात करें पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में स्पीकर को पावर दी जा रही है आर्टिकल 102 के तहत, आर्टिकल 102 का सेक्शन 2। और अगर बात करें यहां पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, यानी कि स्टेट के बारे में, तो 191 का आर्टिकल यहां पर सेकंड पोर्शन जो है वो यहां पर पावर देता है। पावर क्या है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर पार्लियामेंट में कौन होगा, स्पीकर होगा, और यहां पर जो चेयरमैन होगा वो कहां पर होगा, राज्यसभा में होगा। इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी स्पीकर होगा। तो प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर है उसको पावर होती है अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है, यानी कि जो ये एरिया होते हैं, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो है वो आफ्टर 6 मंथ नॉमिनेशन के किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर यहां पर कोई मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का वॉलेंट्री अपनी जो एक तरीके से पार्टी को छोड़ देता है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। अगर पॉलिटिकल पार्टी ने बोला है कि कल को भैया पार्लियामेंट में आना है, वोट डाली जाएगी इंपोर्टेंट बिल के ऊपर, पर पॉलिटिकल पार्टी ने जो भी यहां पर इसको डायरेक्शन दिया उसके हिसाब से काम नहीं करेगा, तो पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, ये हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहा है और हमारे टिकट पर जीत कर रहा है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये वो चीजें हैं जहां पर स्पीकर को पावर दी गई है कि उसको डिस्क्वालीफाई करने की पावर दे दी गई है। इनडायरेक्ट वे में अगर आप लोग इसको ढंग से देखेंगे तो स्पीकर के हाथ में जो पावर दी गई है वो एक तरीके से जुडिशियल पावर दी गई है। यहां पर आप लोग क्वाजी जुडिशियल पावर दे सकते हैं, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर स्टेट के अंदर है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो इसके हाथ में पावर दे रखी है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसका स्पीकर जो है वो मिसयूज करता है, क्योंकि स्पीकर जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी इसके ऊपर बैठी है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का ये मेंबर है, तो उसके फेवर में डिसीजन देता है हमेशा। अगर अपोजिशन के मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो एक मिनट में डिस्क्वालीफाई कर देता है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को 3-3 साल तक भी अपने मेंबर को डिस्क्वालीफाई नहीं करता है। तो इसके चलते जो पोस्ट का जो यूज है वो यहां पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट यूज नहीं हो पाता है स्पीकर की पोस्ट का। तो इसी के चलते ये बोला गया कि जो स्पीकर को ये पावर दे रखी है तो या तो आप लोग ये पावर स्पीकर से छीन लो, दो काम करो, या तो आप लोग स्पीकर से ये पावर छीन लो। इसके लिए आप लोग कोई इंडिपेंडेंट कोई बॉडी बनाओ जिसमें हाई कोर्ट के जज रहेंगे और वो यहां पर उस मैटर को सुनेंगे कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है। तो कोई एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाओ, एक तो सजेशन ये है, जो कि एक अच्छा सजेशन है, क्योंकि हाई कोर्ट का कोई भी जज जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में नहीं आएगा और वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा। तो पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप लोग को यह करना है कि एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बना दीजिए। या फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि आप लोग यह कीजिए कि जो स्पीकर की पोस्ट है, स्पीकर की पोस्ट को आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग बनाइए जैसे यूके वगैरह में होता है, ताकि वो जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट न रहे। तो सबसे पहले आप लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप लोग यह कीजिए कि जो कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी स्पीकर का कोई स्पीकर किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट है, सबसे पहले तो आप लोग उसको यह बोलिए कि रेजिग्नेशन करे उस पॉलिटिकल पार्टी से और उस स्पीकर की पोस्ट को वहां पर स्टेबल आप लोग बनाए ताकि वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े। और इस तरीके से आप लोग जो भी यहां पर कर सकते हैं अलग अलग कंट्री से सीखकर, जो वहां पर उनके स्पीकर को किया गया है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से वो इलेक्शन लड़के आ रहा है वो नेक्स्ट एक टर्म के लिए या फिर दो टर्म के लिए फिक्स कर दिया है कि कोई और वहां से इलेक्शन ही न लड़े, क्योंकि स्पीकर को चिंता ही ना रहे कि कोई तुम्हारे सामने इलेक्शन लड़ने वाला है तुम हार जाओगे। तो इसके चलते वो जिस पोस्ट पर बैठा हुआ है उस पोस्ट पर वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा। वरना क्या होगा, वरना फिर ऐसे ही होगा जैसे जब यहां पर डिस्क्वालीफाई करने की बात आती है तो जिस पॉलिटिकल पार्टी का स्पीकर होता है तो वहां पर जब डीजल लेता है वो अपने फेवर में डीजल लेता है पॉलिटिकल पार्टी के। पर लेकिन यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी है, अगर स्पीकर जो है या फिर चेयरमैन जो है वो रिजाइन कर दे तो उनके ऊपर यहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ में अगर यहां पर 2/3 जो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहां पर छोड़कर चली जाए अपनी पार्टी को तो उसके ऊपर भी यहां पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इसको आप लोग कैसे समझ सकते हैं, इसको आप लोग ये समझिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में मान लीजिए आज की डेट में कितने मेंबर है, 18 मेंबर है, ठीक है, और यहां पर 2/3 छोड़कर चले गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से टोटल मिलाकर 12 मेंबर छोड़कर चले गए। तो 18 में से अगर 12 मेंबर छोड़कर चले जाते हैं तो ये डिस्क्वालिफिकेशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। कुछ बातें यहां पर स्पीकर के बारे में जान लेते हैं कि स्पीकर को अगर अपना ऑफिस छोड़ना है तो स्पीकर का जो पोस्ट है वो कैसे वैकेंट होता है, तो उसके बारे में समझ लीजिए। तो इसके लिए हमारी कंट्री में 3 कंडीशन है, ये 3 कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये 3 कंडीशन में भी चेंज करना आप लोगों को पड़ेगा। अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि अगर जैसे कि मान लीजिए कोई स्पीकर आज के डेट में है तो अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट से उसको सीज कर दिया जाता है, यानी कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लायक नहीं है, तो इसको स्पीकर की पोस्ट भी छोड़नी पड़ेगी, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या है, स्पीकर जो है वो अपनी मर्जी से रेजिग्नेशन दे सकता है डिप्टी स्पीकर को, ठीक है, डिप्टी स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो स्पीकर होता है वो रेजिग्नेशन देता है
है डिप्टी स्पीकर को, और जो डिप्टी स्पीकर रेजिग्नेशन देता है वो देता है स्पीकर को, यानी कि बाहर रेजिग्नेशन नहीं देते हैं वो प्रेसिडेंट वगैरह को किसी को। रीजन क्या है? रीजन ये है कि लोकसभा के अंदर जो हाउस है उसकी जो एक तरीके से आप लोग आइडेंटिटी है वो एक तरीके से बनी रहे, एक तरीके से अंदर ही होने के लिए घर का काम घर में ही निपट जाए, बाहर ना जाना पड़े। तो लोकसभा के अंदर यहां पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर एक दूसरे को रेजिग्नेशन देते हैं जब उनको रिजाइन करना पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग यहां पर याद रखिएगा। तीसरा जो तरीका है यहां पर हटाने का, अगर स्पीकर को हटाना है तो वो यहां पर क्या किया जाएगा, वो यहां पर रिजोल्यूशन पास किया जाएगा, गवर्नमेंट यहां रिजोल्यूशन पास किया जाएगा जो लोकसभा में जो मेजोरिटी रिजोल्यूशन रहेगा, अगर वो पास हो जाता है तो 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा स्पीकर को हटाने के लिए, कि आप लोग यहां पर 14 डेज का नोटिस है स्पीकर को हटने के लिए, तो 14 डेज का टाइम उसको दिया जाएगा कि आप लोग वहां से हट सकते हैं, ठीक है, और या फिर अपने बारे में जो भी आप लोगों को अपनी बातें बोलनी है वो आप लोग बोल सकते हैं। तो एडवांस नोटिस यहां पर देना पड़ेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो उसका हटाने का प्रोसीजर अगर आप लोग देखिए तो उसमें भी वो यहां पर किसके ऊपर डिपेंड है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डिपेंड है। अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो उसे एक मिनट में रिमूव कर देगी, तो इसलिए उसको अपनी पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर ये वाला फंडा आप लोग यहां से हटा दें तो कहीं ना कहीं स्पीकर जो है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगा और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर में स्पीकर काम नहीं करेगा। चलिए आप लोगों से यहां पर एक क्वेश्चन अब मैं पूछता हूं, आप लोग बताइए इसके बारे में कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। अब स्पीकर को जैसे मैंने बताया कि दो सॉल्यूशन है, या तो उसको, या तो आप लोग क्या कीजिए, स्पीकर की जो पावर है डिस्क्वालीफाई करने की उसके चलते आप लोग एक ट्रिब्यूनल बना दीजिए, ठीक है, या फिर जो स्पीकर है स्पीकर को आप लोग इंडिपेंडेंट बना दीजिए जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में है। तो कौन सा आप लोग फेवर करेंगे? यहां पर ट्रिब्यूनल को फेवर करेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में टी लिखिए, और आप लोग इंडिपेंडेंट को फेवर लिखेंगे तो नीचे आप लोग आई लिखिए। इससे यहां पर यह पता चलेगा कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट एग्जाम में भी आप लोगों से स्पीकर का जो रोल है इन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है रिसेंटली अलग अलग रीजन की वजह से, तो यहां पर भी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोगों के माइंड में कोई भी डाउट इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए आप लोग क्या सोचते हैं यहां पर ट्रिब्यूनल या फिर इंडिपेंडेंट, तो इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, ये है विक्टिम जस्टिस सिस्टम के बारे में। विक्टिम जस्टिस सिस्टम क्या होता है? अगर मान लिया कोई पीड़ित है, किसी का रेप हुआ है, किसी को गोली लगी है, कोई ऐसी चीज अगर कहीं किसी के देखने को मिलती है तो उसके बारे में बात की जा रही है। अगर मान लीजिए जैसे आप लोग किस कोई पीड़ित है, जैसे मान लीजिए किसी के साथ में रेप किया गया, तो जैसे उसके साथ में रेप हुआ है, अब मान लीजिए उसका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर में, तो कोर्ट के अंदर जब उसका केस चल रहा है तो उसके केस की सुनवाई करने के लिए उसको एज ए विटनेस की तरीके से उसको यूज किया जाता है, यानी कि उसको गवाह माना जाता है। उसको गवाह मानने के अलावा उसका कोई भी रोल वहां पर नहीं होता है, यानी कि उसको एज ए गवाह के तौर पर बस यहां पर उसको माना जाता है। बाकी अलग अलग जहां पर भी कोई प्रोसीडिंग होती है वहां पर उससे उसके वहां से उससे कुछ नहीं पूछा जाता है, और सारा जो भी काम होता है वो अपने हिसाब से पूरा कोर्ट के अंदर चलता है। पर लेकिन अगर आप लोग यहां पर इंटरनेशनल कोर्ट के हिसाब से बात करेंगे तो वहां पर आप लोग एक बार देखिए, अगर बात करें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में बात करें तो वहां पर क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेज पर जो चैलेंज किया जाता है तो यहां पर एक तरीके से आप लोगों को विक्टिम वहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि विक्टिम पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। सेकंड, जब फ्रेम किया जाता है चार्ज वहां पर भी विक्टिम पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। थर्ड, जब ओपन और क्लोज की जाती है कोई स्टेटमेंट वहां भी विक्टिम का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। फोर्थ, जब रिटर्न सबमिशन किया जाता है पर्सनल इंटरेस्ट तो वहां भी विक्टिम का जो इफेक्ट होता है तो उसको भी यहां पर काउंट किया जाता है। फाइनल, जब प्रेजेंट किया जाता है यहां पर विटनेस के तौर पर, एविडेंस के तौर पर, तो भी यहां पर विक्टिम के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि अगर आप लोग यहां पर बात करें जिसका किसी का रेप हुआ है, हमारी कंट्री में क्या कहते हैं वो आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, जरा सी देर के लिए उसकी गवाही देने के लिए यहां पर उसको बुलाया जाता है और उसके बाद में फिर पूरे केस में उससे कुछ नहीं पूछा जाता है कि हां क्या चल रहा है, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कोई भी यहां पर आगे डिसीजन नहीं लिया जाता है। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अभी यहां पर एक रेखा मुरारका वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था नवंबर 2019 में, उसमें जो विक्टिम है उसके द्वारा प्राइवेट कंसोल यानी कि एक सलाहकार यहां पर रखा गया ओरली एग्जामिन करने के लिए, जो क्रॉस एग्जामिन करने के लिए, तो देखिए यहां पर उसको अलाउ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में इस तरीके से यहां पर अलाउ नहीं किया जाता है। यहां पर जो जज एक तरीके से जो वकील मिलेगा यहां पर, ठीक है, तो वो यहां पर सारा काम करेगा, प्राइवेट काउंसिल को इस तरीके से नहीं रख सकते हैं। जो एग्जामिन करना है, अगर चीजों को अंडरस्टैंड करना है सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो आप लोगों को यहां पर कम से कम विक्टिम राइट पार्टिसिपेशन यहां पर रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसको अपनी बात कहने का पूरा हक यहां पर है, पर लेकिन उसको पूरी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करने का पूरा हक है अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है। अगर कोई नहीं पार्टिसिपेट करना चाहता वो एक अलग बात है, पर लेकिन अगर वो पार्टिसिपेट करना चाहता है तो विक्टिम जस्टिस सिस्टम में आप लोगों को इसको इंक्लूड करके चलना चाहिए। इस तरीके से अंडर ट्रायल अगर जस्टिस सिस्टम में आप लोग बात करते हैं वो एक तरीके से ओनली प्रोसीडिंग में कहां पाते हैं, एक गवाह के तौर पर अपने आप को बस खड़ा पाते हैं, उनसे पूछा जाता है क्या क्या हुआ और उसके बाद में फिर उनका कोई भी रोल वहां पर देखने को नहीं मिलता है। पर लेकिन
अगर यहां पर आप लोग बात करेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस की सिस्टम के हिसाब से, हर एक स्टेज पर यहां पर विक्टिम को यहां पर एक तरीके से काउंट कर चला जाता है। हमारी कंट्री में 1996 में जो लॉ कमीशन है, लॉ कमीशन हमारी कंट्री में स्टेब्लिश किया जाता है पर्टिकुलर रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए, लॉ से रिलेटेड अगर किसी के अंदर चेंज लेकर आना है। तो उसमें भी सजेशन ये दिया गया था 154वीं जो रिपोर्ट थी कि हमारी कंट्री में एक पैराडाइम शिफ्ट होना चाहिए, कि एक अच्छा खासा शिफ्ट आप लोगों को देखना चाहिए, जो कि विक्टिम सेंट्रिक हम लोगों को अपना जस्टिस सिस्टम बनाना है। आज के डेट में क्या है यहां पर, ये विक्टिम सेंट्रिक हमारा नहीं है यहां पर, ये तो विक्टिम सेंट्रिक यानी कि जिसके ऊपर अत्याचार हुए हैं उसको सेंटर में रखकर आप लोगों को सारी प्रोसीडिंग करनी है, उसको एक तरीके से यहां पर एक आप लोग बोलिए उसको जस्टिस मिलना है। तो वो जानता है उसके साथ पूरी जो दर्दनाक घटना हुई है वो उसके साथ में हुई है, तो उसी को आप लोग साइड में रखकर चल रहे हैं, तो किस हद तक ये सही है। तो हर एक लेवल पर आप लोगों को यहां पर इस पर्टिकुलर पर्सन को इंक्लूड करके चलना है। अगर थोड़ा सा आप लोगों यहां पर जैसे लॉ कमीशन के बारे में बताया गया, लॉ कमीशन के बारे में बात करें तो लॉ कमीशन काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है हमारी कंट्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। ये हमारी कंट्री में कोई भी अगर कोई लॉ फॉर्म करना है तो एक तरीके से उसका सजेशन लिया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर में यहां पर ही आती है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ कौन है मिनिस्टर आज के डेट में हमारे, वो आप लोग बताइए। ये कम से कम ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इनके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग जरूर रखा कीजिए, ठीक है। इसीलिए बताता हूं ताकि आप लोग सर्च करेंगे जाकर तो थोड़ा सा लंबे समय तक आप लोग याद उसको रख पाएंगे, ओके। आज की डेट में जो हमारी कंट्री में जो लॉ कमीशन है वो 21st यानी कि 21वां लॉ कमीशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, और कौन है यहां पर, ये है बीएस चौहान। तो बीएस चौहान जी है बीएससी आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो बीएससी यानी कि बीएस चौहान जी है जो 21वें लॉ कमीशन है, ठीक है। अगर बात करें हमारी कंट्री में जो फर्स्ट लॉ कमीशन हमारी कंट्री में बनाया गया था वो कब बनाया गया था, तो 1834 में सबसे पहले हमारी कंट्री में लॉ कमीशन बनाया गया था ब्रिटिश राज के ड्यूरेशन में, यानी कि उस टाइम पर कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। और ये जो प्रिजाइड किया गया था तो आप लोगों ने नाम भी सुना होगा लॉर्ड मैकाले, ठीक है। तो लॉर्ड मैकाले हमारी कंट्री के फर्स्ट लॉ कमीशन थे जब ब्रिटिश राज में यहां पर लॉ कमीशन की बॉडी स्टैब्लिश की गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हिस्ट्री भी है जो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। और जो अभी के लॉ कमीशन है हमारी कंट्री में ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे पुराने लॉ पड़े हुए थे जिनको रिव्यू करने की बात की गई, तो 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बहुत सारी रिकमेंडेशन दी गई इंडियन पिनल कोड, जो कि पुराने पुराने लॉ हमारी कंट्री में अंग्रेजों के टाइम पर बनाए गए थे उसको हटाने के लिए और आज के मॉडर्न लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो इसके चलते भी यहां पर ये काफी न्यूज में थे। इसके पहले जो लॉ कमीशन थे वो कौन थे, वो 20वें लॉ कमीशन ऑफ इंडिया थे और वो थे एपी शाह, ठीक है। उनके द्वारा भी काफी कुछ किया गया, तो ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे जो कि काफी न्यूज़ में थे उस टाइम पर, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। तो ये थे जो दो आर्टिकल आप लोगों के बचे हुए थे लास्ट वीक के, तो जो हम लोगों को डिस्कस करने थे, तो ये दो आर्टिकल थे बस आज के डिस्कशन में। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा इसको और काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिला होगा। अगर जानने को मिला है तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, अगर लग रहा है कि नहीं जानने को मिला है तो देखिए यार फिर क्या करूं, बस सब कुछ समझ में नहीं आ रहा, नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए उसमें जानने को मिल जाएगा। चलिए कोई नहीं, आई होप कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा, और सीखते रहिए और सिखाते रहिए, खुद भी पढ़िए और दूसरों को भी पढ़ाइए, और खासकर वीकेंड में थोड़ा सा टाइम आप लोग निकाल लीजिए, इसे आप लोग दूसरों को भी कुछ ना कुछ जरूर सिखाइए ताकि सामने वाले को भी फायदा देखने को मिले और आप लोगों को भी फायदा देखने को मिले। और बाकी पीडीएफ यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात, कल आप लोगों की एक वीडियो अपलोड की गई है जिसमें मैंने जो भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है टोटल मिलाकर कितनी हमारी कंट्री में 38 है, ठीक है, वो 38 की 38 एक सिंगल वीडियो में आप लोगों की कवर कर दी है। उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हिस्ट्री में कल्चर का पोर्शन होता है, वहां पर भी कई बार उससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा और क्वेश्चन आप लोग बताएगा हमारी कंट्री में जो मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है, ठीक है। मिक्स्ड यहां पर 38 होती है, इसमें से नेचुरल है और कुछ मिक्स है, और बाकी की आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो मिक्स वाली है वो कितनी है और उनका नाम क्या है वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। और मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आप लोगों के राज्य में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कम से कम पता होना चाहिए, स्टेट के एग्जाम के लिए भी आप लोगों के क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, तो संडे है, एंजॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए और परिवार के साथ में टाइम बिताइए, और हो सकता है तो संडे में थोड़ा सा फन भी कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, अगर पसंद आया तो लेक्चर लाइक कीजिएगा, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइएगा कि डिसलाइक क्यों किया, वैसे लाइक कीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, आप लोगों को अच्छा लगता है लेक्चर। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है, एंजॉय करो यार, तब तक के लिए जय हिंद।